हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू बिकम अ रॉकस्टार डेटा साइंटिस्ट। और आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होता है भाई ये रॉकस्टार डेटा साइंटिस्ट। लेट मी टेल यू, सो हम लोग कभी भी जब डेटा साइंस में अपना जॉब खोजते हैं या जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, मैंने एक प्रॉब्लम देखा है लोगों में, और वो प्रॉब्लम ये होता है कि हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं। शॉर्ट टर्म सोचने का मतलब हमारा एंड गोल बस इतना होता है कि हम जॉब ले लें, किसी तरीके से हमें जॉब मिल जाए, हमें इंटर्नशिप मिल जाए, राइट? और हमारा पूरा प्रिपरेशन भी उस हिसाब से ही होता है। बट देर इज़ अ प्रॉब्लम, जब आपको जॉब लेना होता है किसी फील्ड में या जब आपको कभी जॉब मिलती है किसी फील्ड में, तो ये एक बहुत सीरियस कमिटमेंट है, कभी कभी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। आपका पूरा प्रोफेशनल लाइफ आप उस फील्ड में ही स्पेंड करने वाले हो। तो आपको जब जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे आपके साथ और बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट होंगे, वहाँ पे उनके साथ आप कैसे कम्पीट करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे अच्छा कम्पीट नहीं कर रहे हो, तो करियर में जो आपका प्रोग्रेशन होता है, जो आप आगे बढ़ते हो, वो स्लो हो जाता है। सो मेरा बस ये मानना है कि आपको कभी भी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी चाहिए कि नॉट ओनली आप जॉब क्रैक कर लो, बट जब आप उस फील्ड में एंटर करो तो वहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिशन है आप उसमें भी अच्छा परफॉर्म करो। और इसी तरह के डेटा साइंटिस्ट को मैं रॉकस्टार डेटा साइंटिस्ट बुलाता हूँ। एक ऐसा डेटा साइंटिस्ट जो बाकी डेटा साइंटिस्ट के कंपैरिजन में बेटर है, उसको ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है? अब इस वीडियो में मैं आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो कर पाए तो आई पर्सनली फील कि आप बहुत बढ़िया डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मैथ्स। अब ये सुन के आप बोलोगे कि यार कुछ नया बताओ, हर कोई यही बोलता है। अब आप सोचो, अगर हर कोई सेम बात बोल रहा है तो कुछ तो सही होगा। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब मशीन लर्निंग में आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मुझे लगता है मशीन लर्निंग इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ मैथ्स, बस अलग तरीके से मार्केट हुआ है, ठीक है? अब कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ अपने खुद की स्टोरी से। सो अराउंड 2016 मैं मशीन लर्निंग की फील्ड में एंटर किया था। उसके पहले मैं वेब डेवलपर था, मतलब प्रोग्रामिंग से मेरा बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। और जब किसी फील्ड से आपका बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो तो वो आपके थॉट प्रोसेस को बहुत अफेक्ट करता है। सो मैं जब वेब डेवलपमेंट करता था तो मेरा थॉट प्रोसेस भी ऐसा हो गया था कि मैं बहुत प्रोग्रामिंग की तरीकों से चीज़ों को अप्रोच करता था। तो जब मैं डेटा साइंस में घुसा, मशीन लर्निंग में घुसा, तो इनिशियली व्हाट आई डिड वाज कि बस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता था, डेटा के ऊपर उसको लगाता था, मॉडल ट्रेन करता था और एक्यूरेसी निकाल के दे देता था। और पहले एक दो महीने मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये तो बहुत ईजी, कोई भी डेटा सेट लाओ और एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर दो, जिस एल्गोरिदम का बेस्ट एक्यूरेसी है वो आप चूज कर लो। बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब मुझे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ा, जहाँ पे क्लाइंट्स डिमांड करते थे कि ठीक है यार 80% एक्यूरेसी तो आ गया, 85 करके दो। 85 तो बहुत दूर की बात है, मेरे से 81 नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था। सो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मॉडल कब कैसे परफॉर्म करता है, 80 से 85 लाने के लिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कोई भी क्लू नहीं था। एंड देन आई रियलाइज कि गलती हो गई बॉस, मैथ्स के थ्रू समझना पड़ेगा। एंड देन मैंने सेकेंड राउंड ऑफ लर्निंग स्टार्ट किया मेरी जर्नी में, और इस बार मैथ्स के थ्रू। एंड गेस व्हाट, जैसे ही मैंने मैथ्स को अपनाना स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम विद मैथ्स इज बहुत डरावना लगता है। तो एक चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी वो कॉन्शियसली खुद को समझाना पड़ेगा कि देखो बॉस, मैथ्स से बच नहीं सकते, मैथ्स को समझना पड़ेगा। जैसे ही मैंने ये एटीट्यूड गेन किया ना, सडनली से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। आई वॉज एबल टू सी, मतलब मुझे दिख रहा था कि डेटा में क्या हो रहा है, अगर मैं ये चेंजेस अप्लाई करूंगा तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा। और जैसे ही ये चेंजेस मुझे दिखने लग गए, पूरा का पूरा मशीन लर्निंग मेरे लिए इंटरप्रेटेबल हो गया, सब कुछ समझ में आने लग गया। और उसके बाद फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुझे हर हाइपर पैरामीटर, उसकी वैल्यूज़ को कैसे चेंज करना, ये सब कुछ आने लगा, ठीक है? तो इन शॉर्ट आई वुड से कि मैथ्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनका एटीट्यूड शुरू से ये रहता है कि यार मैथ्स बहुत डरावना है, मैथ्स है डरावना। बट मैथ्स का पता है पर्सनालिटी कैसा है, मैथ्स का पर्सनालिटी है DDLJ के अमरीश पुरी के जैसा, जो बाहर से बहुत सख्त है बट अंदर से अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। सिमिलरली मैथ्स भी वैसा ही है, ऊपर से बहुत सारे नोटेशंस हैं बट अंदर से इट इज़ ब्यूटिफुल, द वे इट हैंडल्स थिंग। आप एक बार घुसोगे और समझोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमें मैथ्स ऐसे पढ़ाया गया है स्कूल्स में कि बस मार्क्स लेने के लिए पढ़ा, तो कभी समझ में नहीं आया कि मैथ्स कहाँ यूज़ हो सकता है, यहाँ यूज़ हो सकता है। मशीन लर्निंग इज़ ऑल मैथ्स। आपको इतना खुशी मिलेगा ये समझ के कि अच्छा, मैं डिफरेंशिएशन यूज़ करके एक ईमेल स्पैम क्लासिफायर बना सकता हूँ, या फिर कुछ भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकता हूँ जहाँ पे मैथ्स की ज़रूरत है, ठीक है? तो इन शॉर्ट थोड़ा ज़्यादा ब्लैबर कर गया मैं, बट
आपको एक एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत है कि मैथ्स को मैं समझूंगा, मैथ्स को साथ लेके चलूंगा, तो फिर मशीन लर्निंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आप एक डिफरेंट तरीके से मशीन लर्निंग सीख पाओगे जो आपको अलग बनाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट टू का। पॉइंट टू है कंप्यूटर साइंस, अगेन एक ऑब्वियस चीज़, बट अगर आप मशीन लर्निंग में से मैथ्स को सब्ट्रैक्ट करो तो पता है आपको क्या मिलता है? कंप्यूटर साइंस। बेसिकली मशीन लर्निंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस, ठीक है? तो मैथ्स तो अच्छा होना ही चाहिए, कंप्यूटर साइंस में भी आपको अच्छा होना पड़ेगा। अब बाय कंप्यूटर साइंस मेरा मतलब सिर्फ प्रोग्रामिंग करना नहीं है, ऑल्दो प्रोग्रामिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे डेटा साइंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन ये है कि एक लैंग्वेज आज की डेट में पाइथन को पकड़ के अच्छे से कोडिंग सीख लो। बट मैं इसके अलावा चार और चीज़ें बताऊंगा जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है बट डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के अंडर नहीं आता, ठीक है? पहली चीज़ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग किया होगा पहले सीरियस लेवल पे तो शायद आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ OOP क्या है। सो OOP इज अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, एक तरीके से प्रोग्रामिंग करना। आज के डेट में आप जितने भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख रहे हो वो मोस्टली OOP के फॉर्म में ही बने हैं। क्यों OOP यूज होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में? क्योंकि OOP इज स्पेशली बिल्ट टू हैंडल कॉम्प्लेक्स लॉजिक। सो कभी भी अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जा रहा है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है या रियल वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है, तो OOP इस तरीके से डिजाइंड है कि उस तरह के लॉजिक को हैंडल कर सकता है। तो जितने भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, ओला, स्विगी या कोई भी वेबसाइट, वो किसी ना किसी फॉर्म में OOP यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लाइब्रेरीज आप यूज करते हो मशीन लर्निंग में, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, केरास, इन लोगों ने भी इंटरनली OOP यूज किया है लाइब्रेरीज को बिल्ड करने के लिए। अब जब आप सीनियर लेवल पे जाओगे तो वहां पे बहुत बार ऐसा सिनारियो आएगा कि आपको एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में कुछ चेंजेस करने होंगे, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मोस्टली लाइब्रेरीज ओपन सोर्स होती हैं। या फिर कभी कभी ऐसा सिनारियो आ सकता है कि आपको बोला जाए खुद की लाइब्रेरीज बनाने के लिए। अब वहां पे अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है OOP का तो आप बाकी के डेटा साइंटिस्ट से अलग हो और आगे हो, फिर आपकी कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट प्लेस करेगी कि आप उनको वो लाइब्रेरी बना के दो या फिर वो लाइब्रेरी में चेंजेस करके दो, एंड दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग, ठीक है? सो OOP इज माई फर्स्ट सजेशन। सजेशन नंबर टू इन कंप्यूटर साइंस, डेटाबेसेस। डेटा आज की डेट में गोल्ड है और वो स्टोर्ड है डेटाबेसेस में। सो टेक्निकली डेटाबेसेस आज के इंटरनेट इकोनॉमी में बैंक्स हैं, ठीक है? इट इज सो इम्पॉर्टेंट। सो मोस्ट लाइकली क्या होगा कि आप जब किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो जो डेटा आपको मिलेगा वो किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर्ड होगा। अब अगर आपको डेटाबेसेस के साथ काम करने का कोई आइडिया नहीं है तो इसका मतलब कंपनी को एक और बंदा रखना पड़ेगा जो आपको डेटा ला करके दे, एक डेटा इंजीनियर बेसिकली। अब कोई भी कंपनी कॉस्ट रिडक्शन चाहती है, स्पेशली पोस्ट कोविड टाइम्स सभी लोग चाहते हैं कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज मिले जो ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर पाए। सो यहाँ पर अगर आपको डेटाबेसेस का आइडिया है और आप डेटाबेसेस के साथ आराम से काम कर सकते हो तो कंपनी को एक एक्स्ट्रा बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर रोल के लिए, आप वो एक्स्ट्रा काम कर दे रहे हो उनके लिए। तो यहाँ पर अगेन आपको थोड़ा एज मिलेगा ओवर दोज डेटा साइंटिस्ट जिनको डेटाबेस के साथ काम करने का कोई आइडिया नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री इन कंप्यूटर साइंस, सिस्टम डिजाइन। अब क्या होता है सिस्टम डिजाइन? मैं आपको एक लाइन का डेफिनेशन बताता हूँ। सो सॉफ्टवेयर आज के डेट पर जो भी आप यूज करते हो वो बहुत मैसिव स्केल पे काम करते हैं, पूरी दुनिया के लोग उनको यूज करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने में कई चीजें लगती हैं, ठीक है? सर्वर्स पे काम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, APIs होते हैं, इन सबको साथ में करवाते टाइम जो ब्लूप्रिंट बनता है उस ब्लूप्रिंट के स्टडी को आप सिस्टम डिजाइन बोलते हो। अब आई नो मैंने थोड़ा वेग तरीके से बताया, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से हमें IRCTC जैसी एक वेबसाइट बनानी है, तो आप इस पूरी चीज़ को कैसे अप्रोच करोगे, कैसे बना पाओगे उस वेबसाइट को? तो सबसे पहले आप सोचोगे कि यार हमें एक वेबसाइट चाहिए, मतलब हमें जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS को यूज़ करके वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे। अब वो वेबसाइट डेटा यूज़ करेगी, ठीक है? तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए होगा, फिर डेटाबेस को हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट से बात करवाना है, मतलब हमें एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगा। लेट्स से हमने Node.js सेलेक्ट कर लिया। अब फिर कल को रिक्वायरमेंट आई कि नहीं यार हमें अपना डेटा दूसरी कंपनीज के लिए भी एक्सपोज करना है, लाइक मेक माई ट्रिप या एक्जीगो या Yatra.com। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, APIs बनाते हैं, APIs जो हमारे डेटाबेस से डेटा लेंगी और इन कंपनीज को डेटा प्रोवाइड करेंगी, ठीक है? फिर हमने रियलाइज़ किया कि यार बहुत ज़्यादा लोग रिजर्वेशन करा रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट स्लो हो जा रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, अपनी पूरी वेबसाइट को एक नॉर्मल सर्वर से उठा करके क्लाउड सर्वर पे ले जाओगे, लाइक AWS। वहां पर आप मल्टीपल सर्वर सेटअप करोगे कि कल को अगर एक सर्वर पे बहुत ज़्यादा क्राउड है या लोड है तो आप दूसरा सर्वर
यूज कर सकते हो, आप उनके बीच में लोड बैलेंसिंग करोगे। अब ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है ना, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बन रहा है जिसके थ्रू आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसी चीज की स्टडी को आप सिस्टम डिजाइन बोलते हो। ठीक है, बेसिकली कोई भी सर्विस या सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट जो आप आज के डेट में यूज कर रहे हो, वो पूरा का पूरा काम कैसे करता है, उसकी पढ़ाई को सिस्टम डिजाइन बोला जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मशीन लर्निंग या डेटा साइंस पढ़ते टाइम मुझे इस चीज का नॉलेज क्यों होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट इसलिए है कि अगर आप आज की डेट में देखो तो क्या हो रहा है, मशीन लर्निंग को एक प्रोडक्ट में एज अ फीचर ऐड किया जा रहा है। मतलब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे अमेज़न हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, बट अब वहां पे रिकमेंडेशन सिस्टम आ गया जो इंटेलिजेंटली मुझे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है। मैं एक्जीगो ऐप यूज करता था, वहां पे अगर मुझे कस्टमर से सपोर्ट से बात करनी होती थी तो मैं किसी ह्यूमन बींग से बात करता था, अब उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया है विद चैटबॉट। ठीक है, सिमिलरली कोई एक्सपेंस ट्रैकर ऐप है, वहां पर हमने एक फीचर ऐड कर दिया जो मुझे इंटेलिजेंटली सजेस्ट कर सकता है कि मुझे ये खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। सो इन शॉर्ट, मशीन लर्निंग एज फीचर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप किसी कंपनी में सीनियर लेवल पे डेटा साइंटिस्ट हो तो आपका काम सिर्फ इतना नहीं होगा कि आप मॉडल बना करके दे दो, उस मॉडल को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कैसे करना है सो दैट सब कुछ फ्लॉलेसली काम करे, ये भी आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सोच के देखो, इस पॉइंट पे अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का सिस्टम डिजाइन क्या है, तो आप कैसे एक नया फीचर उसमें ऐड कर पाओगे। एक नया फीचर ऐड करने के लिए यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर या एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एंड दैट इज वाई यू शुड नो सिस्टम डिजाइन। अगर आपको सिस्टम डिजाइन आता है तो मैनेजरियल लेवल पे पहुंचने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, योर प्रोग्रेस वुड बी वेरी वेरी फास्ट। पॉइंट नंबर 4 इन कंप्यूटर साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बेसिकली चीजों को ऑनलाइन लेके आना इंटरनेट के ऊपर। आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, आपके मशीन पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर लोग उसको यूज ही ना कर पाए तो क्या फायदा। तो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए, मतलब आपको ये आना चाहिए कि आपने जो मॉडल बनाया वो आप ऑनलाइन ले जा सको, इंटरनेट पे ला सको, सो दैट कोई भी उसको यूज कर पाए। आज के डेट में आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनीज ये एक्सपेक्ट करती हैं डेटा साइंटिस्ट से कि उनको क्लाउड कंप्यूटिंग का आइडिया होना चाहिए, मतलब जो डेटा साइंटिस्ट है उसको चीज़ों को डिप्लॉय करना आना चाहिए, और पोस्ट डिप्लॉयमेंट एक सर्वर को कैसे, एक सर्वर पे मॉडल को कैसे स्टेबल तरीके से रन किया जाता है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट ये पूरी नई ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग बन के उभर गई है जिसको हम ML Ops भी बोलते हैं, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। सो आज की डेट में अगर आपको ये नॉलेज है तो फॉर श्योर आपको थोड़ा एज मिलेगा ओवर अदर कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू, और उसके बाद भी जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, डोमेन नॉलेज। क्या होता है डोमेन नॉलेज? बहुत सिंपल है, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड का नॉलेज। सो अगर आप बैंकिंग सिस्टम्स में, एज इन बैंकिंग डोमेन में डेटा साइंटिस्ट हो, तो आपको बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स एनालिटिक्स के फील्ड में डेटा साइंटिस्ट हो तो वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स कैसे काम करता है उसका नॉलेज होना चाहिए। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनका नॉर्थ स्टार होता है सैलरी, मतलब जो कंपनी ज़्यादा सैलरी देगी वो स्विच मार के उस फील्ड में चले जाएंगे। आई थिंक दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। इससे क्या होगा कि आप कभी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में डोमेन नॉलेज बिल्ड नहीं कर पाओगे। अब डोमेन नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? डोमेन नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करते हो तो आपको काफ़ी इन एंड आउट नॉलेज हो जाता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने में बहुत हेल्प करता है। सो अगर आप बैंकिंग सिस्टम्स में 10 सालों से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो मॉडल बिल्डिंग करोगे वो सारी चीज़ों को समझ करके करोगे और वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और कहाँ पे आपको हेल्प करेगा ये डोमेन नॉलेज? एक्चुअली हर जगह पे। कल को लेट्स से स्विगी हायरिंग कर रही है डेटा साइंटिस्ट का, और एंड में 2 डेटा साइंटिस्ट बचे हैं, दोनों एकदम बराबर के हैं, और उसमें से एक जो डेटा साइंटिस्ट है वो उसकी लास्ट कंपनी थी फार्मईजी हेल्थ केयर डोमेन में, और जो दूसरा डेटा साइंटिस्ट है वो जस्ट जोमैटो में काम करके आया 4 साल। अब खुद सोच के देखो कि स्विगी के एग्जीक्यूटिव्स किसको हायर करना पसंद करेंगे कंसिडरिंग दोनों बराबर हैं? ऑब्वियसली दे वुड गो फॉर जोमैटो वाला डेटा साइंटिस्ट बिकॉज उसका डोमेन नॉलेज काफ़ी हो चुका होगा 4 सालों में। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आइडियली एक पर्टिकुलर डोमेन उठा लो जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे मेरे केस में स्पोर्ट्स एनालिटिक्स मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली क्रिकेट, तो आपको भी कोई एक फील्ड बहुत पसंद होगी, आपको क्या करना चाहिए उस फील्ड को पकड़ करके उसी में रहना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि जॉब स्विच करना चाहिए, इंडस्ट्री स्विच नहीं करना चाहिए, दैट इज माई रिकमेंडेशन। लेट्स डिस्कस द लास्ट पॉइंट, एनालिटिकल स्किल्स। अब मैंने पिछले 5 सालों में शायद
10,000 मशीन लर्निंग जॉब लिस्टिंग्स देखी होंगी और शायद 10,000 के 10,000 में मैंने ये वर्ड पाया होगा, एनालिटिकल स्किल अच्छा होना चाहिए कैंडिडेट का। अब क्या होता है एनालिटिकल स्किल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत लोगों को इसकी समझ नहीं होती कि एनालिटिकल स्किल किसको बोला जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ एनालिटिकल स्किल क्या होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। सो एक बंदा था अब्राहम वॉल्ड बोल के, ही वॉज अ स्टैटिस्टिशियन, ठीक है। उसको US गवर्नमेंट ने हायर किया था US डिफेंस को थोड़ा हेल्प करने के लिए, और उसका काम था कि उसको एक काम दिया गया कि वॉर से जितने भी प्लेन्स वापस आ रहे हैं उनका एनालिसिस करना है कि उनको कहाँ कहाँ पे यू नो गोलियाँ लगी या चोट पहुँची, और उसके बेसिस पे उसको डिसाइड करना था कि उनको कैसे और सिक्योर बनाया जा सकता है, उस प्लेन को कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है। अब ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में बताया गया है कि जब वॉल्ड ने एनालिसिस किया तो उसने पाया कि ये जितने भी रेड पॉइंट्स हैं यहाँ पे गोलियाँ लगी हैं प्लेन्स को। तो अब कोई भी नॉर्मल स्टैटिस्टिशियन क्या बोलेगा कि आपको उन जगहों पे ज़्यादा आर्मर लगाना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा गोलियाँ लग रही हैं। बट अब्राहम वॉल्ड ने क्या बोला कि आपको उन जगहों पे एक्स्ट्रा आर्मर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है जहाँ पे बिल्कुल भी गोलियाँ नहीं लगी इस पिक्चर में, ठीक है। सभी ने बोला ये तो बहुत वियर्ड है, आप ये क्यों बोल रहे हो। तो उसका रीजनिंग बहुत ही कॉमन सेंसिकल था, उसने बोला कि ये वो प्लेन्स हैं जो वापस आ गए, इसका मतलब इन जगहों पे गोली लगने के बाद भी प्लेन वापस आ पा रहा है, बट जो बाकी के एरियाज हैं वहाँ पे अगर गोली लग रही है तो वो इतना ख़राब है कि प्लेन्स वापस ही नहीं आ पाते, वहीं क्रैश हो जाते हैं। एंड दिस इज प्योर कॉमन सेंस, सभी के पास सेम डेटा था बट इस बंदे ने कितना डिफरेंटली अप्रोच किया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सर्वाइवल बायस, बेसिकली हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारी आंखों के सामने है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो, लेट्स से इंटरव्यू ले रहे हो और आपके सामने 5 बेस्ट लोग बचे हैं, अब उनमें से 3 लोग एक पर्टिकुलर कॉलेज से, तो आपके दिमाग में इंप्रेशन आने लग जाएगा कि अच्छा वो कॉलेज बहुत अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। उस कॉलेज में हो सकता है बहुत और लोग हो जो यहाँ तक नहीं पहुँचे, तो हो सकता है कॉलेज घटिया भी हो सकता है। तो अगेन डेटा साइंस में आपको हर जगह पे कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ सकता है और पढ़ना करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। मतलब छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग कि इस डेटा पे अभी मुझे मीन लगाना चाहिए या मीडियन लगाना चाहिए, कौन सा ग्राफ प्लॉट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे डिसीजन मेकिंग आपको हमेशा डे टू डे बेसिस पे करने हैं। एंड दैट इज़ वाई एनालिटिकल स्किल एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट को बाकी के डेटा साइंटिस्ट से अलग दिखा पाता है, ठीक है। अब कैसे इंप्रूव करना है एनालिटिकल स्किल को, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट अगेन ये आपका एक प्राइम फोकल पॉइंट होना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर डेटा साइंस इंटरव्यूज, ठीक है। सो दैट्स इट, ये 4 पॉइंट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, आई होप आपको ये उतना ही लॉजिकल लग रहे हैं जितना मुझे लगते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।